हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का 7:30 बज गया है और 7:30 बजे से लाइव क्लास चल रही थी बायोलॉजी का। 11th वालों का चल रहा था एनिमल किंगडम, जंतु जगत, प्राणी जगत। और पिछले क्लास में प्राणी जगत में आपको नाल तंत्र बताए थे। क्या बताए थे याद होगा? पिछले क्लास में आपको हम बताए थे नाल तंत्र के बारे में। किस तंत्र के बारे में बताए थे? नाल तंत्र के बारे में बताए थे। और ये जो नाल तंत्र होता है, ये नाल तंत्र होते बताए थे चार प्रकार के। पोई फेरा संघ चल रही थी ना, अरे बाबू, संघ जब पिछले क्लास में पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि जो संघ होते हैं वो कौन से संघ पढ़ रहे थे? पोरी फेरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पोरी फेरा संघ के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस नाल तंत्र बढ़ रहे थे कि इस पोरी फेरा में नाल जल नाल तंत्र होता है। और जल नाल तंत्र जो है चार प्रकार के पढ़े थे। एक पढ़े थे एस्कॉन नाल तंत्र को, बताए थे प्रणाली भी कहते हैं, तो इसको पढ़े थे। एगो पहला कौन एस्कॉन प्रणाली, दूसरा क्या था आपका? दूसरा था साइकॉन प्रणाली। क्या था? साइकॉन प्रणाली, ठीक है, साइकॉन प्रणाली था। और अगर देखा जाए यही तीसरा देखा जाए तो तीसरा हम आपको बताए थे, जो तीसरा प्रणाली था वो क्या था? तीसरा था ल्यूकॉन प्रणाली। क्या था? ल्यूकॉन प्रणाली, ल्यूकॉन प्रणाली था, ठीक है। और ये चौथा जो आपको हम बताए थे वो था रेहगॉन प्रणाली। क्या था? रेहगॉन प्रणाली। यानी टोटल चार प्रणाली आपको हम बताए थे। कितने प्रणाली बताए थे? चार प्रणाली। साइकोन प्रणाली अलग होता है, साइकोन जीव अलग होता है, ये नली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए एस्कॉन प्रणाली, तो एस्कॉन प्रणाली कुछ जीवों में पाए जाते हैं, जैसे ल्यूकोसोलेनिया। देखिए बढ़िया समझिएगा, ल्यूकोसोलेनिया को अगर देखिएगा, ल्यूकोसोलेनिया, तो ल्यूकोसोलेनिया और स्पंज, ये दोनों में देखिएगा ना, तो ल्यूकोसोलेनिया और स्पंज में एक प्रकार के जो नली पाए जाते हैं उसको एस्कॉन प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉन प्रणाली बोलते हैं। अब ये प्रणाली कैसे समझ में आएगा? तो आपको फिगर से एक बार बताए होंगे कि जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा स्पंज है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पोरी फेरा है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। तो ये ऑस्टिया और ये परत जो होते है, यहाँ से एक नली जुड़ी होती है ऑस्कुलम तक। ये बड़ा जो छिद्र होता है ये होता है ऑस्कुलम, जहां से जल बाहर निकलता है। तो ऑस्कुलम तक ये नली जो बन करके छोटे छोटे महीन महीन नली होते है जिसमें अंतग्रहण का काम होता है, उसी को प्रणाली बोलते हैं, उसी को नली बोलते हैं। तो ये एस्कॉन जो नली पाया जाती है, एस्कॉन प्रणाली, वो ल्यूकोसोलेनिया और स्पंज वाले जीव में पाए जाते हैं, स्पंज वाले जीव में देखा जाता है। यही अगर हम बात कर ले साइकॉन प्रणाली का, इसकी साइकॉन प्रणाली कहाँ होंगे? साइकॉन जो प्रणाली होता है, इस प्रणाली में देखिएगा कि जो साइकॉन जीव होते हैं, जो साइकॉन जीव समझ रहे ना, जो स्पंजी नुमा होते हैं, तो साइकोन जो होते हैं, साइकोन के जो दीवार होते हैं ना, उस दीवार में देखिएगा कि दीवार में छिद्र होते हैं। साइकोन के जो दीवार होते हैं, दीवार में छिद्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला स्पंज हम बना देते हैं, ठीक है, क्या है ये वाला स्पंज, और स्पंज में सबसे ऊपर वाला भाग ऑसिकुलम रहता है, ये बेसल डिस्क है, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं स्पंज में, यही दीवार में क्या होते हैं? छोटे छिद्र होते हैं। और ये जो दीवार में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यह दीवार के अंदर में एक इसके अंदर महीन महीन पतला पतला नली का निर्माण करता है। क्या बनता है? इसमें महीन नली में बदल महीन नली बनता है, महीन नली बनता है, ठीक है। तो महीन जो नली बनता है, इस महीन नली को हम लोग बोलते हैं आर्य नली। क्या बोलते हैं? आर्य नली बोलते हैं। और यही आर्य नली जो होता है, ये जो आर्य नली होता है, यह आर्य नली अंतर्वाही नली में बदल जाता है, अंतर्वाही नली में, अंतर्वाही नली में बदल जाता है।
तो जब यह अंतर्वाही नली में बदल जाता है, बढ़िया समझिएगा, यानी कह सकते हैं कि साइकॉन के दीवार में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र में महीन नली बनता है और इसी नली को कहा जाता है आर्य नली। और आर्य नली किस में बदल जाता है? अंतर्वाही नली में। तो अंतर्वाही नली जो होते है वो बाहर की ओर अगर देखा जाए तो बाहर की ओर, बाहर अंतर्वाही नली जो होते है बाहर प्रोसोपाइल में खुलता है। कहाँ खुलता है? प्रोसोपाइल में, याद रखिएगा प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल। और इसके अंतर्वाही नली के अंदर की बात कर ले तो ये जो अंदर होते हैं, अंदर होते हैं, यह अंदर जो होता है एपोपाइल में खुलता है। कहाँ खुलता है? एपोपाइल में खुलता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी अंतर्वाही नली जो होते हैं, ये अंतर्वाही नली कहाँ खुलते हैं? बाहर प्रोसोपाइल में। और अंदर कहाँ खुलते हैं? एपोपाइल में अंदर खुलते हैं। एक बात यहाँ पे समझिएगा, अगर ल्यूकॉन प्रणाली को देखा जाए तो ये जो ल्यूकॉन प्रणाली होते हैं ना, इस ल्यूकॉन प्रणाली को अच्छे से समझिएगा तो ये साइकोन से ही बनता है। किससे बनता है? साइकोन, साइकोन से बनता है, ठीक है, साइकोन से बनता है। लेकिन एक बात समझिएगा, इसमें भी छिद्र क्या होते हैं? इसमें छिद्र होते, इसमें भी छिद्र होते, लेकिन कैसा छिद्र होते हैं? गोल गोल छिद्र होते हैं। कैसा होते हैं? गोल छिद्र होते हैं। और ये जो गोल छिद्र होते हैं इसको बोला जाता है कसावी कच्छ। इसको क्या बोलते हैं? कसावी कच्छ बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि लिकॉन प्रणाली जो होता है साइकॉन से बनता है, ठीक है, और इस प्रणाली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस छिद्र को कसावी कच्छ बोलते हैं। और ये जो कसावी कच्छ होते हैं ना, इस कच्छ के चारों ओर देखिएगा तो चारों ओर अपवाही नली होता है। क्या होते हैं? चारों ओर, चारों ओर अपवाही, चारों ओर अपवाही नली होता है, चारों ओर अपवाही नली होता है, ठीक है। अब रेहगान प्रणाली समझ लीजिए। रेहगान जो प्रणाली होता है, इस रेहगान प्रणाली की अगर देखा जाए तो ये जो ल्यूकॉन प्रणाली होता है, ल्यूकॉन प्रणाली का जो लार्वा होता है ना, ल्यूकॉन प्रणाली का जो लार्वा होता है, इस लार्वा से रेहगान प्रणाली का निर्माण हो जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा कि ल्यूकॉन प्रणाली का जो लार्वा होता है, इसके लार्वा से किसका निर्माण हो रहा है? रेहगान प्रणाली का। यानी ल्यूकॉन प्रणाली के लार्वा अवस्था को क्या बोलते हैं? रेहगान प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। अब इधर आइए, थोड़ा सा इसको अब मिटाते हैं। अब एक बात समझिएगा, आपको हम पिछले क्लास में चीजें बता रहे थे तो खंडी भवन के बारे में हम आपको बताए थे, कुछ याद होगा खंडी भवन। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अभी चल रहा था कौन सा संघ चल रहा है बाबू? संघ चल रहा है पोरी फेरा चल रहा है, ठीक है। और इस पोरी फेरा में आपको बताए थे कितने प्रकार के जंतु को रखा गया है, तो इसमें लगभग 10,000 प्रजाति को रखा गया है। कितने प्रजाति को रखा गया है? लगभग 10,000 प्रजाति को रखा गया। अब ये 10,000 जो प्रजाति को रखा गया है तो इनमें जनन की भी तो क्रिया होगी, होगा ना जी। तो ये 10,000 प्रजातियों में जनन की क्रिया लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। क्या होता है? इसमें अगर जनन देखा जाए तो जनन की क्रिया जो होती है वह अलैंगिक होता है। क्या होते हैं? अलैंगिक जनन होते हैं और लैंगिक जनन की क्रिया भी होती है, लैंगिक जनन की क्रिया भी होता है। यानी कह सकते हैं कि पोरीफेरा संघ के जितने भी जंतु हैं उनमें लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार के? अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। थोड़ा जनन समझ लीजिए कि पोरीफेरा में जनन जो हो रहा अलैंगिक कैसे होता है और लैंगिक कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा पहले अलैंगिक के बारे में जान लेंगे। अलैंगिक जनन देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्पंज है, क्या है ये जो है, ये क्या है आपका? स्पंज है। और स्पंज के शरीर में देखिएगा ऊपर वाला जो भाग होता है इसको ऑस्कुलम कहते हैं।
तो ये हो जाता है मातृ स्पंज। क्या हो जाते हैं? मातृ। मातृ का मतलब कि जिसमें नर भी हो और मादा हो। तो अलैंगिक जनन में पढ़े थे कि जो नर और मादा दोनों एक ही शरीर में हो उसको अलैंगिक। तो ये लैंगिक कैसे करेगा? इसमें भी नर होते हैं और इसमें भी मादा होते हैं। तो ये मादा नर दोनों होने के कारण एक ही शरीर में होते हैं, फिर भी लैंगिक करता है और अलैंगिक दोनों प्रजनन की क्रिया कर लेता है। जैसे अलैंगिक कैसे करेगा? तो ये स्पंज है, स्पंज के शरीर में क्या निकलता है? एक ऐसे मुकुल निकलता है। क्या निकलता है? इसको मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मुकुल। तो जब ये प्रजनन अवस्था में पहुंचता है तो इसके शरीर से एगो मुकुल निकला, कली निकला। और ये जब कली क्या होता है कि जब पूर्ण रूप से प्रजनन अवस्था में पहुंच जाता है, तो पूर्ण रूप से प्रजनन अवस्था में पहुंचने के क्रम में, पूर्ण रूप से जब प्रजनन अवस्था में पहुंचता है तो यह कली जो है अंदर चला जाता है। और इस कली को कहा जाता है जेम्यूल। इसको क्या बोलते हैं? जेम्यूल बोलते हैं। इस कली को क्या बोलते हैं? जेम्यूल। और यही जेम्यूल क्या होता है फिर आगे चल करके, कि ये जो है ये शरीर है इसके शरीर से अलग हो जाता है और अलग हो करके एक नया स्पंज का निर्माण करता है, ये संतान बनता है। तो ये कह सकते हैं ये जेम्यूल ना टूट रहा है, तो कह सकते हैं अलैंगिक जनन मुख्य रूप से मुकुल या जेम्यूल के द्वारा होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होते हैं? लैंगिक में अगर देखिएगा तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें जो नर होते हैं, ये जो नर होता है और इसमें जो मादा, क्या करते हैं कि नर अपने शुक्राणु को, नर अपने शुक्राणु को पानी में छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? पानी, पानी में छोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे पानी में ही छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा तालाब है और इस तालाब में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इस पानी में देखिएगा कि जैसे मान लीजिए इस जगह पे स्पंज है, क्या है? स्पंज है। स्पंज अपने नर को इस पानी में गिरा दिया, गिरा दिया, तो आगे भी तो स्पंज है पानी में। तो जब यह नर अपने शुक्राणु को जैसे ही गिराता है तो शुक्राणु पानी से बह करके इस दूसरे स्पंज के शरीर तक लग जाता है, और मादा में होता है अंडाणु, और यह अंडाणु के साथ चिपक करके एक नया जनन की क्रिया कर स्पंज बनाता है। तो इसको लैंगिक जनन बोल सकते हैं, पानी में छोड़ता है और दूसरे स्पंज के अंडाणु के साथ जाकर के मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि लैंगिक जनन की क्रिया करता है। अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसका वर्ग देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए। तो अगर पोरी फेरा को देखा जाए, पोरी फेरा संघ क्या चल रहा है? पोरी फेरा, ठीक है। और इस पोरी फेरा जो संघ है इसको अगर देखा जाए तो तीन वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटे गए हैं? तीन वर्ग में, ठीक है। तो इसको जो बांटा गया है वह मुख्य रूप से तीन वर्ग में बांटा गया है। अब तीन वर्ग कौन कौन है? तो पहला जो वर्ग है इसको बोलते हैं कैलकेरिया। क्या बोलते हैं? कैलकेरिया, कैलकेरिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है हेक्सा क्लीनिडा, नीलिडा। चलिए उसके बाद जो तीसरा वर्ग होता है, इस तीसरा वर्ग को बोलते हैं डेमोस्पोंजिया। क्या बोलते हैं? डेमो अस्पोंजिया बोलते हैं, ठीक है, डेमो अस्पोंजिया। तो पोरीफेरा को तीन वर्ग में बांटा गया। तो पहला बात कर लेते हैं कैलकेरिया के बारे में। तो कैलकेरिया जो वर्ग है इसमें में जितने भी जंतु आते हैं, उस जंतु का अगर देखा जाए तो शरीर जो होता है जंतु का, वो शरीर, शरीर का जो परत होता है, तो इन जंतुओं के शरीर का जो परत है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बनाता है? CaCl3 का बना होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बना होता है। अब एक बात समझिएगा, क्या समझना है कि कैलकेरिया, कैलकेरिया जो होता है पोरी फेरा को तीन वर्ग में बांटा गया है, एक कैलकेरिया, हेक्सा क्लीनिडा और डेमोस्पोंजिया।
तो इसमें कैलकेरिया में देखा जाए तो जितने भी जंतु आते हैं इस वर्ग में, उस सब का शरीर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। लेकिन हेक्साक्लिनिडा में देखा जाए, हेक्साक्लिनिडा में जितने भी जंतु आते हैं वो सभी जो है, इसमें जंतु देखिएगा तो इस जंतु का जो शरीर होता है वो सिलिया का बना होता है। शरीर जो होता है, शरीर का परत वो सिलिया का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिया का बना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, बना होता है इसमें जो है ल्यूकॉन प्रणाली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ल्यूकॉन प्रणाली। लेकिन यही चीज अगर देखिएगा इसके शरीर में कैल्केरिया में, तो इसमें जो है साइकॉन प्रकार के प्रणाली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइकॉन प्रणाली पाए जाते हैं। अब आए डेमोस्पोन्जिया। इसमें अगर देखा जाए जंतु का शरीर, इसमें कि जितने भी जंतु होते हैं इनके अगर शरीर की बात कर ले तो जंतुओं का जो शरीर होता है स्पंजी नुमा प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? स्पंजी नुमा प्रोटीन से बना होता है। याद रखिएगा, स्पंजी नुमा प्रोटीन से बना होता है। यानी कह सकते हैं कि डेमोस्पोन्जिया जो है यह जंतु का शरीर स्पंजी नुमा प्रोटीन से बना होता है। हेक्साक्लिनिडा वर्ग के जंतु जो होते हैं उसका शरीर का परत सिलिया का बना होता है। कैल्केरिया जो होता है इसमें शरीर का परत कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखिएगा। अब इसमें एक बात समझिएगा कि इसमें जो पोरीफेरा में जो नाल तंत्र होते हैं, इस नाल तंत्र का मात्र एक ही काम होता है, अंतःग्रहण करना। क्या काम होता है? अंतःग्रहण करना, पाचन करना। क्या करना? अंतःग्रहण करना और पाचन करना। अंतःग्रहण करना, पाचन करना, ठीक है। तो क्लास रहने देते जो भी हो 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि अब ये खत्म हो गया, पूरा जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब सिलेंट्रेटा संघ चलेगा, संघ नंबर 2।